इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत, अभिनंदन अपने YouTube चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति में। आज एक नया अध्याय, राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएं। राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएं में हम राजस्थान की प्रमुख चित्रकलाएं, उनके विशेषताएं, उनके प्रकार और कौन कौन सी चित्रकला में जो वर्ग है, चित्रशैलियां हैं, चित्रशैलियों में उनकी कैटेगरी और उप कैटेगरी उनको देखेंगे। उसी के साथ राजस्थान की हम लोक कलाओं को देखेंगे। तो इसके अंतर्गत राजस्थान की चित्रकला और लोक कलाओं में चित्रकला, राजस्थानी चित्रकलाओं की विशेषताएं, राजस्थानी चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण देखेंगे, जिसमें मेवाड़ शैली हो गई और उदयपुर शैली, नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, ये मेवाड़ में देखेंगे। फिर मारवाड़ शैली में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर। फिर हाड़ौती शैली, इसमें बूंदी शैली, कोटा शैली और झालावाड़ शैली, ये देखेंगे। फिर ढूंढाड़ शैली के अंदर आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली, शेखावाटी, द्वितीय चित्र हो गए। इसके अलावा लोक कला में राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएं देखेंगे, जिसमें सांझियां, मांडना, फाड़, पाने, कावड़, मेहंदी, गोदना, कोठियां, वेल और कठपुतलियां, ये अपन इसमें पढ़ेंगे। ये जो क्लास राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और शारीरिक शिक्षक पीटी, अपने वन रक्षक वनपाल हो गई, सीटी हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, बीएसटीसी हो गया, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। आसान शब्दों में, सरल भाषाओं में समझाने का मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि जहां से इम्पोर्टेंट फैक्ट बने या प्रश्न पूछ सकते हैं उनको मैं अच्छे से आपको क्लियर करवाऊंगा। आप भी आराम से ध्यान से समझना, और यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो इम्पोर्टेंट चीज़ को आप नोट्स में लिख भी सकते हैं, ताकि जो आपको जो चीज़ याद नहीं है वही आपको देखने को रहे। तो अपने का पढ़ने का जो तरीका है, जो इसमें लिखी हुई चीज़, सारी चीज़ें मैं बोलूँगा, उनमें से प्रश्न किस प्रकार से आएगा और कहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है वो चीज़ अपन देखेंगे, इसमें मैं बताऊँगा आपको। चित्रकला, राजस्थान की चित्रकला का क्षेत्र अत्यंत समृद्ध है। यहाँ चित्रकला की न केवल विविध शैलियाँ अपने को देखने को मिलती प्रचलित है, वरन ये चित्र कागजों पर भी देखने को मिलते हैं, कपड़ों पर, हवेलियां, मंदिर, महलों की दीवार पर अथार्थ है, जिनको अपन भित्ति चित्र कहते हैं, वो भिन्न भिन्न कैनवास पर सजे हुए मिलते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में जो चित्रकला है वो कई शैलियों में भी प्रचलित है। उसके अलावा कई चित्र कागज, कपड़े पर, हवेलियों में, मंदिरों में और महलों की दीवारों पर अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक। फिर बात करें आगे, राजस्थान में आलनिया दर्रा कोटा में, बेराट जयपुर में और दर भरतपुर नामक स्थानों से शैलाश्रयों यानी गुफाओं में आदि मानव द्वारा बनाए गए रेखांकन जो प्रदेश की प्रारंभिक चित्रण की परंपरा को दर्शाते हैं। जब आदि मानव गुफाओं में रहता था, दिन भर शिकार करता, शिकार करके वापस गुफाओं में आकर के बैठ जाता था, जब तक भूख नहीं लगती थी तब तक जिस गुफा में वो रहता था उसमें
वो रेखाएं खींच खींच करके चित्र बनाया करते थे। उन चित्रों को राजस्थान में जो अवशेष मिले हैं, आदि मानवों के जो गुफाओं के शैलाश्रम में जो चित्र मिले हैं, उनमें आलनिया हो गया, दर्रा या कोटा हो गया, बैराट जयपुर हो गया, दर भरतपुर है, यहाँ से मिले हैं। तो प्रश्न आ जाए कि राजस्थान में शैलाश्रयों के चित्र कहाँ से मिले हैं, तो इन चार चीजों को आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें कि वी एस वाकण सर, वाकण सर ने राजस्थान में 1953 में कोटा में चंबल घाटी और दर्रा, चंबल घाटी और दर्रा जो आलनिया और दर्रा ये चंबल घाटी में ही है, और झालावाड़ के निकट कालीसिंध घाटी और अरावली में आबू और ईडर में चित्रित शैलाश्रम की खोज की है। तो यहाँ से प्रश्न इस प्रकार से बनेगा कि राजस्थान में जो शैलाश्रय जो चित्र है उनकी खोज किसके द्वारा की गई है। तो नाम ध्यान रखेंगे अपन, इन चित्रों की जो खोज है वी एस वाकणकर, वाकणकर नाम आप ध्यान रखोगे, पूछ सकते हैं वाकणकर कब की है, तो आजादी के कुछ समय बाद 1953 में की गई है। ठीक है, ये जो चित्र मिले हैं ये शैलाश्रय यानी पत्थर पर जो है रेखांकित लाइन खींची हुई है, इस प्रकार के अपने को चित्र मिले हैं। लेकिन जो ग्रंथ के रूप में अपने को जो चित्र मिले हैं अब तक के जो जितने भी चित्र बने उनमें से सबसे जो प्राचीन जो चित्रित ग्रंथ मिले हैं, राजस्थान में सर्वाधिक प्राचीन उपलब्ध चित्रित ग्रंथ जो मिले हैं वो 1060 ईस्वी में रचित ओद निर्युक्ति वृत्ति और 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी जैसलमेर भंडार में मिले हैं। तो राजस्थान में सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कहां से मिले हैं, जैसलमेर से मिले हैं। कब के हैं, तो 1060 ईस्वी के, और कौन कौन से हैं, ओद निर्युक्ति वृत्ति और 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी, ये अपने को जैसलमेर से मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ये पूछा हुआ प्रश्न है, यहां से ध्यान रखना, ये ओद निर्युक्ति वृत्ति और 10 वेकालिका सूत्र चूर्णी वाला। विशुद्ध राजस्थानी चित्रकला का जन्म 1500 ईस्वी के आसपास मान सकते हैं। राजस्थानी चित्रकला की जो जन्मभूमि है वो मेदपाट या मेवाड़ है। राजस्थानी चित्रकला का जो जन्म होता है वो कहाँ से हो रहा है, मेदपाट यानी मेवाड़ से हो रहा है, जो अजंता चित्र शैली से पूर्णतः प्रभावित है। अजंता चित्र शैली से पूर्णतः ये प्रभावित है। ठीक है, तो राजस्थानी चित्रकला पर आरंभ में जैन शैली, गुजरात शैली और अपभ्रंश शैली का प्रभाव था। बाद में जब मुगलों के संपर्क में आते हैं राजपूत शासक, तो राजस्थानी चित्रकला में मुगल चित्र शैली का भी प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक, ओके, फिर बात करते हैं राजस्थानी चित्रकला का जो सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया है वो आनंद कुमार स्वामी ने। आनंद कुमार स्वामी ने राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया और राजपूत पेंटिंग नामक किताब में, पुस्तक में 1916 में उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन करने वाले कौन थे, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। कब किया, 1916 में प्रस्तुत किया, कौन सी किताब में, तो राजपूत पेंटिंग किताब में, इसमें सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया है। तो ये तो कॉमन है, पूछा हुआ है, कई बार आ चुका है ये प्रश्न। आगे देखते हैं, फिर बात करता हूं कि कुमार स्वामी ओसी गांगुली और हेवेले, तीन नाम है कुमार स्वामी, या तो आप छोटे छोटे नाम या तो कुमार याद रख लो, कुमार गांगुली और हेवेले, कुमार गांगुली और हेवेले, इन्हें इस कला को राजपूत चित्रकला कहा है।
इन्होंने कौन सी चित्रकला बोला था? राजपूत चित्रकला कहा है। जबकि ब्राउन, ब्राउन ने पूरा नाम याद नहीं रहे तो शॉर्ट में आप याद रख लेना, W.H. ब्राउन पूरा नाम है, शॉर्ट ब्राउन याद रख लेना चल जाएगा। अपने ग्रंथ इंडियन पेंटिंग्स में इस प्रदेश की चित्रकला को राजपूत कला नाम दिया। पहले तो राजपूत चित्रकला नाम था, ठीक, राजपूत चित्रकला। चित्रकला में कुमार है, गांगुली और हेवेले हैं। जबकि राजपूत कला, चित्र को हटा दीजिए, केवल कला आ जाए, कला है तो कला में क्या याद रखोगे? ब्राउन, कला हो जाएगी ब्राउन, ठीक है। और राय कृष्ण दास ने, राय कृष्ण दास ने इन मतों को खंडन करते हुए इस कला का नाम राजस्थानी चित्रकला नाम दिया, राजस्थानी चित्रकला। तो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की आप तैयारी कर रहे हैं तो इन तीनों नामों को विशेष तौर से ध्यान रखना, आने वाले एग्जाम में यहां से प्रश्न जरूर पूछेगा। तो क्या क्या नाम दिया है? एक तो राजपूत, राजपूत चित्रकला, एक राजपूत कला और एक राजस्थानी चित्रकला। राजपूत कला में कुमार स्वामी, ओसी गांगुली और हेवेले, ये तो है राजपूत चित्रकला। ब्राउन में हो जाएगा राजपूत कला, ब्राउन में सिर्फ राजपूत कला है और राय कृष्णदास ने राजस्थानी चित्रकला नाम दिया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बात करते हैं। राजस्थानी चित्रकला की विभिन्न शैलियों पर अनेक विद्वानों ने पुस्तकें प्रकाशित कर उनके प्रारूप को स्थापित करने में सहयोग दिया है, जिसमें मेवाड़ पर सर्वश्री डॉक्टर मोतीचंद, श्रीधर अंधारे, डॉक्टर आर के वशिष्ठ, किशनगढ़ पर की बात करें तो एरिक डिक्सन, फैयाज अली जी का योगदान रहता है। इन्होंने किशनगढ़ जो चित्र शैली है उनको प्रकाश में ला रहे हैं, ठीक। और नेक्स्ट कोटा बूंदी पर सर्वश्री प्रमोद चंद, W.G. आर्चर और महाराजा ब्रजेंद्र सिंह कोटा का नाम आता है। तो लास्ट वाले आप ध्यान नहीं रखो तो भी चलेगा, ऊपर वाला जो आपको दे रखा है, एक तो आनंद कुमार स्वामी जी का नाम ध्यान रखना है, उसके अलावा राजपूत जो चित्रकला है ये किसने कहा है ये ध्यान रखना है। देखो पहले चित्रकला ही, फिर बाद में कला यूं ध्यान रख लेना। तो चित्रकला में तीन आदमी हो जाएगा, कुमार स्वामी, गांगुली और हेवेले। फिर राजपूत कला आती है वो ब्राउन, राजपूत कला ब्राउन हो जाएगा, W.H. ब्राउन। और अपने कृष्णदास जी ने राजस्थानी चित्रकला नाम दिया है। यहाँ तक क्लियर है सभी के? चलो राजस्थानी चित्रकला की विशेषताओं की बात करें, चित्रकला में राजस्थानी चित्रकला की क्या क्या विशेषता है, ऐसी कौन सी विशेषता है जिससे राजस्थानी चित्रकला भारत की अन्य राज्यों की जो चित्रकलाओं से या भारत की अन्य जो कला है उससे ये राजस्थानी चित्रकला अलग होती है, उसमें राजस्थान की मूल चीजें इसमें हैं। तो राजस्थानी चित्रकला लोक जीवन से जुड़ाव है, जो लोक जीवन है यहाँ का, गाँव का या जिस प्रकार से राजा महाराजाओं का लोक जीवन था उससे जुड़ाव है। भाव प्रेरणता, विषय वस्तु की विविधता है, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग विषय वस्तु रहती है, विभिन्न रंगों का संयोजन है, अलग अलग जगह पर मेवाड़ में अलग कलर मिलेगा, मारवाड़ में अलग कलर मिलेगा, रंग मिलेगा, प्राकृतिक परिवेश मिलेगा, देश काल से अनुरूपता आदि विशेषता के आधार पर राजस्थानी चित्रकला विशिष्ट पहचान अपने देखने को मिलती है। धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों की चित्रकला में लोक जीवन की भावनाओं को बहुलता, भक्ति और श्रृंगार का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। चटकीले और चमकदार रंगों का संयोजन विशेष रूप से देखने को मिलता है। राजस्थान की चित्रकला जहाँ महलों, किलों, हवेलियों, मंदिरों को अधिक देखी जा सकती है। राजस्थानी चित्रकला चित्रकारों ने विभिन्न ऋतुओं का श्रृंगारिक चित्रण कर उनके मानव जीवन पर पड़ने वाले
प्रभावों का भी अंकन किया था। फिर आगे बात करता हूं प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ नारी सौंदर्य का, नारी सौंदर्य का सजीव चित्रण राजस्थानी चित्रकला का एक अलग ही पहचान होता है। राजस्थानी चित्रकला राजा महाराजाओं के साथ साथ आप यहाँ पे राजा महाराजाओं के साथ साथ में राजा महाराजाओं के साथ में राजपुत्रों सामंतों के संरक्षण में फूली फली है। ज्यादातर जो अपन आगे पढ़ेंगे शैलियों में, अलग अलग शैलियों में, तो अलग अलग राजाओं के समय अलग अलग चित्रकार आ रहे हैं और कई सारे चित्र बना रहे हैं। तो ये तो विशेषता थी। अब राजस्थानी चित्रकला का शैलियों का वर्गीकरण, चित्रकला की शैलियों का वर्गीकरण करते हैं। तो राजस्थानी चित्रकला की शैलियों को भौगोलिक और सांस्कृतिक आधार पर चार वर्गों में बांटते हैं। चार मुख्यतः वर्ग स्कूल है, फिर उसके अनेक उपवर्ग देखे जाते हैं। चार मुख्य वर्ग है वो कौन कौन से हो गए? मेवाड़ स्कूल यानी मेवाड़ शैली हो गया, मारवाड़ शैली हो गया, हाड़ौती शैली हो गया और ढूंढाड़ शैली हो गया। हाड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली है, ठीक है। ये तो हो गए प्रमुख शैलियां। अब इन शैलियों में भी उप शैलियां हैं जिसके अंदर से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये कौन सी शैली की उपशैली है, ठीक है। तो मेवाड़ स्कूल में या मेवाड़ शैली में, मेवाड़ शैली में क्या क्या आ जाता है? चावंड शैली हो गया। देखो मेवाड़ में क्या क्या आ रहा है, मेवाड़ में चावंड शैली हो गया, चावंड उदयपुर में है तो आराम से पकड़ सकते हैं चावंड उदयपुर। वैसे मेवाड़ में नाथ द्वारा राजसमंद मेवाड़ में आ ही रहा है। देवगढ़ ये उपशैली हो गई मेवाड़ की। सावर उपशैली हो गई, सापरा उपशैली, सापरा जो बिलवाड़ा वाला है वो उपशैली हो गई। बनेड़ा, बनेड़ा बिलवाड़ा में ये मेवाड़ की उपशैली हो गई। बागोर भी बिलवाड़ा, बेगू, केलवा ठिकानों की कला। प्रश्न कैसे आएगा? प्रश्न आएगा सावर उपशैली कौन सी चित्र शैली की उपशैली है? तो सावर जो है मेवाड़ की होगी, या फिर सापरा, सापरा तो वैसे ढूंढाड़ में भी आ रहा है, तो सापरा में नहीं पूछ सकते हैं कि सापरा, यदि सापरा पूछ रहा है तो फिर मेवाड़ दे रहा तो ढूंढाड़ नहीं देगा और ढूंढाड़ दे रहा तो मेवाड़ नहीं देगा, क्योंकि सापरा जयपुर वाला सापरा भी है और बिलवाड़ा वाला सापरा भी है। देगा तो सावर देगा, बनेड़ा, बागोर, बेगू, केलवा इस टाइप के देंगे अपने को। मारवाड़ की बात करें, मारवाड़ में देखो, देखिए मारवाड़ में कौन कौन सा आ रहा है? तो मारवाड़ स्कूल में शैलियां कौन कौन सी है? जोधपुर शैली होगी, मारवाड़ स्कूल की जोधपुर शैली होगी, बीकानेर शैली होगी, किशनगढ़ शैली होगी, अजमेर शैली होगी, नागौर शैली होगी, सिरोही शैली, जैसलमेर शैली होगी, गाणेराव, गाणेराव कहाँ पड़ता है? पाली में, गाणेराव, रिया, बिनाय अजमेर में हो गया और जूनिया, जूनिया। बाकी तो आप पकड़ लोगे, गाणेराव, रिया, बिनाय, जूनिया, ये मारवाड़ स्कूल की उपशैलियां हैं, ठीक है। फिर हाड़ौती शैली, हाड़ौती स्कूल में बूंदी शैली हो गई, कोटा, झालावाड़, ये उपशैलियां हो गई। कोटा शैली, बूंदी शैली, झालावाड़ उपशैली हाड़ौती स्कूल की उपशैलियां हो गई। ढूंढाड़ में देख लीजिए, ढूंढाड़ में क्या क्या हो जाएगा? आमेर शैली हो गया, जयपुर शैली, शेखावाटी शैली। शेखावाटी का ध्यान रखना, ज्यादातर बच्चे या अपने नॉलेज में शेखावाटी आते अपने दिमाग में क्या आएगा? मारवाड़ कर देते हैं। तो शेखावाटी जो शैली है ये कौन सी शैली का पार्ट है? तो ढूंढाड़ शैली का ये भाग है। फिर अलवर शैली है, उनियारा शैली, उनियारा उप शैली है, ये किसका है? तो उनियारा उपशैली ढूंढाड़ शैली का, जो ढूंढाड़ शैली है उसका उपशैली है। जिलाय हो गया, इसरदा हो गया, इसरदा सवाई माधोपुर में, सापरा, सामोद, ये ढूंढाड़ की उपशैलियां हो जाती है, ठीक है। तो इन उपशैलियों का भी ध्यान रखना, कौन सी शैली किसकी उपशैली है प्रश्न पूछा जाता है। चलो आगे बात करते हैं।
मेवाड़ शैली। अब एक एक को अपन डिटेल से देख रहे हैं। मेवाड़ शैली, मेवाड़ शैली में राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक जो रूप है वो मेवाड़ शैली है। मौलिक रूप है जो मेन है, मौलिक खुद जो निजी रूप है वो मेवाड़ है। राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभिक और मौलिक रूप मेवाड़ शैली में मिलता है। मेवाड़ शैली के अंतर्गत पोती ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ है। पोती, पोती जानते हो ना, राव जी पोती लाते हैं, पोती उस टाइप से पोती ग्रंथों का अधिक चित्रण होता है मेवाड़ शैली के अंतर्गत है। ठीक है। 1260 ईस्वी में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्रित ग्रंथ इस मेवाड़ चित्र शैली का प्राचीनतम चित्र है। देखो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम चित्र आ जाए तो औध निरुक्ति, जो अपन ने जैसलमेर का पढ़ा था, जैसलमेर में पढ़ा था औध निरुक्ति वृत्ति और 10 वैकालिका सूत्र है, ये राजस्थानी चित्रकला का सबसे प्राचीनतम चित्र है। राजस्थानी चित्रकला का हो जाएगा 10 वैकालिका चित्र। लेकिन मेवाड़ चित्र शैली का आ जाए, पर्टिकुलर मेवाड़ का पूछे कि मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र कौन सा है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके समय चित्रित किया गया, तेज सिंह के समय चित्रित किया गया। ठीक है। तो मेवाड़ चित्र शैली का सबसे प्राचीनतम चित्र श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किसके समय चित्रित किया गया, तो तेज सिंह के समय चित्रित किया गया 1260 ईस्वी में। कहां चित्रित किया गया, तो आहाड़ में चित्रित किया गया। कहां पर चित्रित किया गया, आहाड़ में। और चित्रकार का क्या नाम है, तो चित्रकार का नाम है कमल चंद। कमल चंद इस श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र जो चूर्ण चित्रित ग्रंथ है उसके चित्रकार का नाम है। ठीक है। तेज सिंह, जो चित्र सिंह के बाद में आता है तेज सिंह, उनके द्वारा चित्रित करवाया गया था। फिर बात करें दूसरा जो चित्रित ग्रंथ है मेवाड़ चित्र शैली का, 1423 में देलवाड़ा में। पहला कहां चित्रित किया गया था, आहड़ में, और दूसरा कहां चित्रित किया जा रहा है, देलवाड़ा में। क्या नाम है, सुपासनाहचर्यम। सुपासनाहचर्यम देलवाड़ा में चित्रित किया गया। और ये जो चित्रित ग्रंथ है किसके समय चित्रित किया गया, तो ध्यान रखेंगे ये अपने मोकल के समय चित्रित किया गया। किसके समय, महाराणा मोकल के समय, और हीरानंद के द्वारा चित्रित किया गया। हीरानंद के द्वारा चित्रित किया गया है, दूसरा चित्रित ग्रंथ था। ठीक है। नेक्स्ट है, डगलस बेरेट तथा बेसिल गे ने चोर पंचासी का शैली का उद्भव मेवाड़ में माना है। तो पूछा हुआ प्रश्न है ये, तो चोर पंचासी का शैली का जो उद्भव है वो कहां से माना जाता है, मेवाड़ से माना जाता है। महाराणा कुंभा का काल कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्णिम युग माना जाता है। कुंभा जी का तो वैसे सभी में स्थापत्य कला में देख लीजिए, नाटकों में देख लीजिए, सभी में आते ही है। तो कुंभा जी के समय था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है जितना बाद के शासकों ने जितना किया था, उसमें स्वर्ण काल बाद वाले में आएगा। सभी कलाओं में आ जाए, सभी कलाओं, कला उत्थान काल, कलाओं के उत्थान की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है कुंभा। फिर बात करते हैं उदय सिंह जी, कुंभा जी का जो पड़ पोता हो जाएगा, कुंभा जी का पोता था सांगा और सांगा का बेटा उदय सिंह। तो उदय सिंह ये इनका शासन काल लिख रखा भाई, है ना, ये जो लिखा हुआ कुंभा जी का शासन काल है 1535 से 1572 ईस्वी का काल में बने चित्रों में भागवत पुराण का परिजात अवतरण, परिजात अवतरण 1540 में मेवाड़ के चित्रकार नाना राम की कृति है। तो एक तो प्रश्न यह आ जाए कि महाराणा उदय सिंह के समय भागवत पुराण का परिजात अवतरण कौन से चित्रकार के द्वारा चित्रित किया गया, नाना राम के द्वारा। या यूं पूछ ले कि नाना राम चित्रकार का संबंध मेवाड़ के किस शासक से है, तो महाराणा उदय सिंह जी से। ठीक है। और यूं पूछ ले कि उदय सिंह के समय
नाना राम के द्वारा कौन सा चित्रित ग्रंथ बनाया है, कौन सा चित्र है, तो परिजात अवतरण। कब बनाया? 1540 में। ठीक है, महाराणा प्रताप के समय छप्पन की पहाड़ियों में स्थित राजधानी चावंड, चावंड जो महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी रही थी, 1585 में बनाई गई थी, जो 1615 तक रहती है, लगभग 30 सालों तक मेवाड़ की राजधानी चावंडी रही थी, कि चित्रकला का विकास होता है और चावंड चित्रकला का जो विकास है वो महाराणा प्रताप के समय होता है, और इसी समय महाराणा प्रताप ने इस काल की जो प्रसिद्ध कृति है डोला मारू, 1592 ईस्वी में ये चित्रित किया गया, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नेशनल जो म्यूजियम है नई दिल्ली में वहां सुरक्षित है। तो प्रश्न आएगा कि नेशनल म्यूजियम राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया डोला मारू जो कृति है वो किसके समय रचित की गई है, तो फिर बताएंगे महाराणा प्रताप के समय लिखी गई है। तो ये मेवाड़ स्कूल अपन पढ़ रहे हैं उनमें से शैली देखते हैं, उदयपुर शैली महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में चावंड चित्र शैली का अधिक विकास हुआ है। तो चावंड चित्र शैली का जो स्वर्ण काल है वो अमर सिंह के काल को माना जाता है। महाराणा अमर सिंह के समय रागमाला 1605 में मेवाड़ शैली का प्रमुख ग्रंथ है। प्रश्न आ जाए कि रागमाला जो ग्रंथ है वो किसके समय जो ग्रंथ चित्रित किया गया, अमर सिंह के समय, और चित्रकार का नाम है निसारदीन। इंपोर्टेंट है ये, निसारदीन का संबंध कौन से चित्रकार से है? महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा प्रताप के जो पुत्र है अमर सिंह प्रथम, उनके समय से संबंधित है। फिर आगे बात करें, अमर सिंह का बेटा था कर्ण सिंह और कर्ण सिंह का बेटा था जगत सिंह। जगत सिंह प्रथम का काल मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। मेवाड़ की लघु चित्र शैली का स्वर्ण काल जगत सिंह के काल को माना जाता है। इनके समय रसिक प्रिया पर, गीत गोविंद पर, भागवत पुराण पर और रामायण इत्यादि पर लघु चित्रों का निर्माण किया गया। और जगत सिंह के समय प्रमुख चित्रकार कौन कौन है? साहिब दीन, देखो ऊपर भी निसार दीन है और नीचे साहिब दीन है, साहिब दीन अलग में आएगा और साहिब राम अलग में आएगा, तो यहाँ पर कौन सा है? साहिब दीन, चित्रकार का नाम है साहिब दीन और मनोहर। साहिब दीन और मनोहर जो है ये किसके समय चित्रकार थे, तो बताएंगे राणा जगत सिंह प्रथम के समय ये चित्रकार है, साहिब दीन और मनोहर दोनों इंपोर्टेंट है। ये महाराणा जगत सिंह ने राजमहलों में, उदयपुर के जो राजमहल है वहां पर चित्तेरू की ओवरी स्थापित करवाई है। चित्तेरूरी चित्रशाला के लिए एक अलग ही जो है एक महल बना करके दे दिया था उदयपुर के राजमहलों में। ओवरी कहते हैं हमारे उधर, ओवरी जो कमरे के अंदर कमरा होता है उसको ओवरी कहते हैं। तो ऐसे ही राजमहलों में एक कमरा बनवा दिया था, कमरा अलग ही चित्रशाला की स्थापना करवाई, जिसे तस्वीरारोह कारखानों के नाम से जाना जाता है। तो तस्वीरारोह कारखानों नाम से जो चित्रशाला किसने स्थापित करवाई थी, तो महाराणा जगत सिंह ने स्थापित करवाई थी। ठीक, आगे बात करते हैं, राणा जय सिंह के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिक हुआ है, और संग्राम सिंह के काल में गीत गोविंद, बिहारी सतसई, सुंदर श्रृंगार, मुल्ला दो प्याजा के लथी, मुल्ला दो प्याला, ये ध्यान रखना, मुल्ला दो प्याजों का विशेष तौर से ध्यान रखना, मुल्ला दो प्याजा के लतीफ और कलीला दमना ग्रंथों पर चित्र बनाए गए हैं। और किसके समय बनाए गए हैं? संग्राम सिंह द्वितीय के समय। अमर सिंह जी का पुत्र हुआ था संग्राम सिंह द्वितीय, उनके समय मुल्ला दो प्याजा के लतीफे और कलीला दमना। फिर बात करें मेवाड़ शैली में पुरुषाकृति, पुरुषों की जो आकृति है गठिली मूछों से युक्त भरे होते थे, बड़ी बड़ी
गठिली मूछें होती है, विशाल नयन है, आंखें बड़ी 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 आंखें हैं, खुले हुए अधर है, छोटी गिरवा गर्दन छोटी है, छोटा कद है, उदयपुर पगड़ी पे उनको पहनी हुई है, लंबा सापा है, स्त्री का चित्रांकन है, सरलता के भाव से युक्त मीनाकृत मछली जैसी आंखें हैं, सीधी लंबी नाक है, नाक इनकी लंबी हो गई, भरी हुई दोहरी चिबुक टिकना कद है, लुगड़ी घाघरे और कंचुकी तथा ठेठ राजस्थानी आभूषणों से सज्जित हैं। प्रकृति का संतुलित चित्रण मेवाड़ चित्रकला की एक विशेषता रही है, जिसमें लाल पीले हरे नीले सफेद आदि कलरों को इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ज्यादातर किस शासक के समय कौन सा चित्रकार के द्वारा चित्र बनाया गया है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, उससे ज्यादा प्रश्न आता है। मेवाड़ स्कूल में एक अलग शैली आ रही है, नाथ द्वारा शैली। नाथ द्वारा शैली राजसमंद जिले में यहाँ से नाथ जी का मंदिर बना हुआ है, तो मेवाड़ से कुछ अलग विशेषता इसकी रहती है, इसलिए उदयपुर शैली से इसको अलग किया जा रहा है। कुछ विशेषता मेवाड़ शैली की इनकी उदयपुर की आसपास से मिलती हुई है और कुछ विशेषता उदयपुर शैली से यहाँ की अलग है, इसलिए उदयपुर से एक अलग शैली अपन में रखा जा रहा है, नाथ द्वारा शैली। मेवाड़ शैली का दूसरा प्रमुख दौर नाथ द्वारा शैली में दिखाई देता है। नाथ द्वारा में पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की भारत की प्रसिद्ध पीठ है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय जिसको वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है ये, जो श्रीनाथ जी की भक्ति का प्रमुख केंद्र होने के कारण मेवाड़ की चित्रकला परंपरा में एक नया अध्याय जुड़ता है। औरंगजेब के द्वारा जब भारत में मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, तो वृंदावन से इधर मेवाड़ के जो शासक होते राज सिंह जी, वो वृंदावन से श्रीनाथ जी की मूर्ति को मेवाड़ में बुलाया जाता है और मेवाड़ में यहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर का निर्माण किया जाता है। और उस मंदिर के निर्माण के साथ ही वृंदावन से और मथुरा से जो है चित्रकार अपने मेवाड़ में आ जाता है नाथ द्वारा में, और एक नई चित्र शैली नाथ द्वारा शैली का जन्म हो रहा है। नाथ द्वारा शैली ये उदयपुर शैली और ब्रज शैली का समन्वय रूप है। उदयपुर मेवाड़ और ब्रज का, उदयपुर और ब्रज शैली का मिश्रित है। नाथ द्वारा शैली की जो मौलिक देन है, उनकी जो निजी स्वरूप है, जो दूसरी शैलियों में नहीं है, केवल नाथ द्वारा की ही है, वो है श्रीनाथ जी के स्वरूप के पीछे सज्जा के लिए बड़े आकार के कपड़े पर पर्दे बनाए जाते हैं, जिनको पिछवाई कला कहते हैं। तो पिछवाई जो कला है, पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है, कहाँ की चित्रशैली की मौलिक देन है, तो नाथ द्वारा चित्रशैली की मौलिक देन है पिछवाई कला। और पिछवाई कला में ध्यान रखोगे, ये पिछवाई कला में क्या होता है, भगवान श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है उसके पीछे कपड़े के ऊपर जो भगवान कृष्ण का बाल रूप का जो चित्रांकन किया जाता है वो ही पिछवाई कला होती है। 18वीं सदी के इन चित्रों में कृष्ण चरित्र की बहुलता के कारण भगवान कृष्ण का चित्रण किया जा रहा है। तो भगवान कृष्ण आ रहे हैं, तो भगवान कृष्ण के साथ में और कौन कौन आएगा, मैया यशोदा आएगा, नंद आएगा, बाल ग्वाले आएंगे भगवान कृष्ण के साथ साथ, छोटे छोटे ग्वाले भी आएगा, भगवान कृष्ण है तो गोपियां रहेगी है, और वल्लभ संप्रदाय के संतों का चित्रांकन विशेष रूप से होता है इस शैली में। वल्लभाचार्य जी ने ही वल्लभ संप्रदाय ये चलाया था, पुष्टि मार्गी संप्रदाय कहते हैं उन्हीं के नाम पर वल्लभ संप्रदाय कहते हैं। इसमें हरे और पीले रंग का अधिक प्रयोग होता है, भगवान कृष्ण भी तो पीले कपड़े पहनते हैं,
तो पीले कलर का होना ही है, हरियाली में रहते हैं ऐसे याद रख लेना, हरे कलर के प्रधानता है। इसके अन्य विशेषताओं में श्रीनाथ जी की आकृति, जो श्रीनाथ जी की आकृति है, अन्य विशेषताओं में श्रीनाथ जी की आकृति बनाते हैं, गायों का मनोरम दृश्य, भगवान कृष्ण है तो गायें तो आएगी आएगी, भगवान कृष्ण गायों को लेकर के जंगल में जाते हैं, जंगल में उनको आसमान में फिर देवता देखते हैं, या देवताओं का स्वरूप आता है तो देवताओं का अभ्यंकन किया जाता है। पृष्ठभूमि में वनस्पति है, वनस्पति भी जो चित्र बना रहे हैं जिसकी बैकग्राउंड में सघन वनस्पति देखने को मिलती है, कदली के वृक्ष, भगवान कृष्ण है तो केले तो होंगे ही होंगे, ऐसी प्रधानता अपने को देखने को मिल जाती है नाथ द्वारा में। फिर ध्यान रखना नाथ द्वारा शैली के चित्रकारों में बाबा रामचंद्र का ध्यान रखना भाई, ऐसे भगवान कृष्ण, कृष्ण और राम, बाबा रामचंद्र कहाँ के चित्रकार है, नाथ द्वारा शैली के। उसके अतिरिक्त नारायण भी आपको पता है कि भगवान विष्णु का ही नाम है नारायण, चतुर्भुज भी भगवान विष्णु का ही है, राम, रामलिंग, राम आईरा, चंपालाल, काशीराम, राम आरा, तुलसी राम, यह भी भगवान, तुलसी भी भगवान के रूप मानते हैं। तो ज्यादातर जो नाथ द्वारा में वो भगवान कृष्ण और राम के नाम से जोड़ करके आप देख सकते हैं। और दो महिला चित्रकार भी आपको देखने को मिलेगी, कमला और इलायची, ये कहाँ की चित्र शैली में प्रमुख महिला चित्रकार हुई है, तो नाथ द्वारा चित्र शैली। नेक्स्ट बात करें अगली स्कूल में देवगढ़ शैली, महाराणा जय सिंह के राज्यकाल में रावत द्वारिका दास चुंडावत ने देवगढ़ ठिकाने की 1680 ईस्वी में स्थापना की थी। 1680 में महाराणा जय सिंह ने, राज सिंह का जो बेटा था, ऊपर वाला जो अपन ने देखी नाथ द्वारा, वो नाथ द्वारा जो शैली है, वो नाथ द्वारा शैली तो राज सिंह के समय चालू हो रही है। फिर राज सिंह का जो बेटा था महाराणा जय सिंह प्रथम है, उस जय सिंह के समय देवगढ़, इनके शासनकाल में रावत द्वारिकादास सुंडावत ने देवगढ़ ठिकाने की स्थापना की। फिर इसके पश्चात देवगढ़ चित्र शैली का जन्म होता है, और यहाँ के जो सामंत है 16वें उमराव कहलाते हैं। अलग अलग जो ठिकानेदार होते हैं वो अलग अलग उनको उपाधियां या नाम से जानते हैं, ठीक है, कहीं पर गोले और का महाराव, महारावल, उसी प्रकार से देवगढ़ शैली के जो सामंत होते हैं वो 16वें उमराव कहलाते हैं। तो प्रश्न आ जाए कि कहाँ के कौन से ठिकाने के सामंत 16वें उमराव कहलाते हैं, तो देवगढ़ ठिकाने के जो सामंत है वो 16वें उमराव कहलाते हैं। देवगढ़ जो शैली है मारवाड़ का, जयपुर का और मेवाड़ का, तीनों का समन्वय देखने को मिल जाता है। इधर जैसे ये राजस्थान हो गया, देवगढ़, वैसे प्रतापगढ़ में है ये देवगढ़, इधर मारवाड़ हो गया, इधर मेवाड़ हो गया, देवगढ़ राजसमंद में, अभी क्या बोला था मैं, राजसमंद ही बोला होगा, क्योंकि नाइट को बनाता है, सुबह दिन भर जो सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 9 बजे तक कंटिन्यू बोलना ही बोलना रहता है, तो पता भी नहीं चल रहा था कि क्या बोला मैंने। इधर जयपुर हो गया, ये इधर जयपुर हो गया, और इधर अपने मारवाड़ हो गया, और दक्षिण में मेवाड़ हो गया। इन सब का जो समन्वित है वो कौन सी शैली है, देवगढ़ शैली। तो प्रश्न आ जाए कि कौन सी शैली में मारवाड़, जयपुर और मेवाड़ का समन्वय देखने को मिलता है, देवगढ़ में। या फिर पूछ ले कि देवगढ़ शैली में किस किस का समन्वय है, एक ऑप्शन में मारवाड़, जयपुर, मेवाड़ आ जाए, एक ऑप्शन में आपको ढूंढाड़ जयपुर हो गया, हाड़ोती हो गया, और फिर मेवाड़ दे दिया, इस प्रकार से आपको दे दे, तो ये तीन शैलियों का मिश्रण है।
डॉक्टर श्रीधर अंधारे ने इसको प्रकाश में लाए थे। श्रीधर अंधारे कौन सी शैली को प्रकाश में लाए, तो देवगढ़ शैली को। ठीक है, तो ये बिल्कुल अंधारे में चली जाती है, तो अंधारे जी ने फिर इसको प्रकाश में लेकर के आए देवगढ़ को। इस शैली के प्रमुख चित्रकार में बगता हो गया कौला प्रस्ट, कौला सेकंड, हरचंद नगा, चौका वेद्यराज। दो तो ये नाम ध्यान रख लेना, बेजनाथ और बगता। बेजनाथ, बगता, चौका, नगा, ठीक है, और कौला तो दो याद हो ही जाएगा, कौला हरचंद चौका है। ठीक, और नंगा ये आपके चित्रकार है। कुछ भी लॉजिक आप बिठा देना, ऐसे आप याद रख लेना। प्राकृतिक परिवेश, शिकार के दृश्य, अंतपुर, राजसी, ठाट बाट, श्रृंगार और सवारी आदि इनके प्रमुख विषय रहते हैं। इसमें पीले रंग की प्रधानता रहती, इसमें भी पीला रंग है। नाद्वार में अपन ने पीला और हरा देखा, यहाँ पर पीला रंग है। इस शैली में भित्ति चित्र अजारा की ओवरी और मोती महल आदि देखने को मिलते हैं। तो कौन सी चित्र शैली में भित्ति चित्रों में अजारा की ओवरी और मोती महल देखने को मिलती है, तो बताएंगे देवगढ़ चित्र शैली। तो अगली क्लास में अपन देखेंगे मारवाड़ चित्र शैली। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। काफी समय हो गया है, लगभग 10 बजने को आए हैं, अब चलते हैं घर पे। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट तक आपने देखा तो वीडियो को लाइक करके जाना और कमेंट करके बताना। आप कमेंट करके बताओगे तो ये क्लास में आपके लिए लाइव भी कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच।